आलु माटी तले फळुथुबारु माटी को चास करी हालुका करा जिबा उचित। एथिपाई जमी को 4-5 थर भल भाबरे ओडचास करबा उचित। एहा परे जमी रे मैदे माटी को भल भाबे गुंड करि दियंतु। शेष ओड चाष करिबा पूर्वरु हेक्टर प्रति 25-30 गाड़ी सढ़ा गोबर खत और 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफॉस गुंड को माटी रे मिसाई दियंतु। एहा द्वारा उई किंबा माटी रो जन्मथुबा पोक आलु फसल को आक्रमण करि पारिबे नाही। जमी चाष समय रे फास्फोरस सार को मध्य माटी रे मिसाई जमी चाष करा जाय पारिबो। बिहन लगाइबा प्रणाली। आलु बिहन लगाइबा पूर्वरु तापमात्रा प्रति विशेष ध्यान देबा पड़िथाय। गछ गुड़िक बढ़िबा पई 24 डिग्री सेंटीग्रेड ओ परे 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा आलु चाष पई भल। आम राज्य ओडिशा रे एही तापमात्रा नवंबर मासर आरंभ रे मिलिथाय। एणु नवंबर मध्य भाग सुधा आलु चाष आरंभ करि देबा उचित। एक वर्गमीटर परिमित जगारे प्राय 15 पाखापाखी गछ रहिबा आवश्यक। आलु चाष करिबा पई 3 मीटर ओसारर पटाळी करि 2 पटाळी मझिरे 0.5 मीटरर पाणी नाळ करा जाय। पटाळीर 45 सेंटीमीटर दूरतारे सियार रहे। एही सियार गुडिक पूर्व पश्चिम आडुआ हेले भल। एहा फळरे आलु गछ दिनर सबु समयरे सूर्योदय ठारु सूर्यास्त पर्यंत सूर्य किरण पाइथाय। सियार गुड़िक 5-7 सेंटीमीटर गभीर और 5-7 सेंटीमीटर चौड़ा रहिबा आवश्यक। पूर्वरु विशोधित आलु बिहन को सियार रे 15-20 सेंटीमीटर व्यवधान रे लगाइबे। आलु बिहन लगाई सारिबा परे ता उपरे 2.5 सेंटीमीटर माटी घोड़ाई देबे। एहा छड़ा आलु लगाइबा समय रे बड़ बड़ गजा होइथिबा आलु को अलगा धाड़ी रे ओ छोट गजा होइथिबा आलु को अलगा धाड़ी रे लगाइबे। आलु मंजी जेपरी सारो संस्पर्शरे न आसे सेथि प्रति दृष्टि देबे। बड़ आकारर जमी थिले आजिकाली सेथिरे अधिक मजूरी खर्च न करी आधुनिक मेसिन साहाज्यरे आलु लगा जाई पारुछि। एही मेसिन रे केवल गोटा आलु लगा जाई पारिबो। एथिरे एका संगे सियार खोलिबा आलु लगाइबा ओ आलु उपरे माटी ढांकिबा काम होई जाई थाए।